morning, students. This is Ankit Kumar, and this video is for class 12th English Core. Okay, this video is related to marking scheme. The updated marking scheme means which will help you for the examination of class 12th. Session 2020-21, because many things has been deleted, many chapters has been deleted, and many major portion has been removed from the previous syllabus. पिछले सिलेबस से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट रिमूव कर दिया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा फॉर्मेट पहले जो था वो अब नहीं रहा है. एंड फॉर दिस पर्पस वी आर हियर विद दिस वीडियो. आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे हमारे अपडेटेड सिलेबस के बारे में. हम पैरेलली प्रीवियस सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, मींस प्रीवियस मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इट वाज एंड नाउ व्हाट इट इज. ओके, सो अर्लियर फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट व्हाट वाज द मार्किंग स्कीम ऑफ सेशन 1920, एंड हियर आई विल टेल यू द मार्किंग स्कीम ऑफ 2021. सो विद दिस, दैट दिस इज माई मैथड ऑफ टीचिंग, दैट विद द हेल्प ऑफ कंपेरिजन, बाय कंपेयरिंग यू कैन एनालाइज द बेसिक्स, द बेसिक चेंजेस इन द मार्किंग स्कीम. आप इसमें आने वाले बेसिक चेंजेस को बेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और इस बेसिस पर आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को आसानी से समझ सकते हैं. प्रीवियस मार्किंग स्कीम अगर आपने पहले देख रखी है, अगर आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज यू आर नाउ इन 12th, बट प्रीवियस ईयर यू आर इन क्लास 11th, और जब आप क्लास 11 में थे तो आपने ये मार्किंग स्कीम को जरूर डिस्कस किया होगा, जरूर देखा होगा. सो अर्लियर इट वॉज ऑफ सेक्शन ए बी एंड सी, that is of 80 marks, but this year it is of A plus B only, and this is of 80 marks. So what is the basic change? Earlier it was of three sections, section A, B and C, and that carry 80 marks. इस बार क्या होगा कि दो section होंगे, section A और B, और वो होगा 80 marks का. Section A हमारा होता था reading, section B राइटिंग, और सेक्शन सी हमारा लिटरेचर. रीडिंग स्किल आपके 20 मार्क्स की, राइटिंग 30 मार्क्स, और लिटरेचर 30 मार्क्स का था. बट ये पहले की बात है. दिस ईयर व्हाट विल हैपन, सेक्शन ए विल डिवाइड इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज रीडिंग and literature. This reading is of 20 marks and this literature is of 20 marks, means altogether it will carry 40 marks. Section A will carry 40 marks. Next, section B, that is also divided into two segments. First is writing and second is literature. Again, once again, get it clear in your mind. Here is the literature and again here is the literature. That means literature will dominate this year. This writing skill is of 16 marks only and this literature is of 24 marks. Okay? So overall it will carry 40 marks. Right? Altogether it will carry 40 marks. So you can see literature is of 24 marks here and 20 marks here. Altogether, in simple words, you can say that literature is of this time 44 marks out of 80, means 55%. Why I'm writing this? Why I'm showing this? That means कि लिटरेचर विल डोमिनेट दिस ईयर. लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, लिटरेचर पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देनी है, और इंडिविजुअल हम एक एक चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे. तो ये हो गई हमारी बेसिक डिफरेंसेस. अब हम इंडिविजुअल मार्किंग स्कीम की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल हम इसको इलैबोरेट करेंगे, इसके हम एक्सटेंडेड वर्जन को देखेंगे. राइट, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल पोर्शंस. Okay, section A was of reading. Earlier it was of 20 marks, and this year again section A reading and literature. So first we are discussing about reading skill. Earlier
वी गॉट टू क्वेश्चंस, हमारे पास दो क्वेश्चंस आते थे और पहला क्वेश्चन जो होता था वो हमारा 12 मार्क्स का और दूसरा 8 मार्क्स का होता था, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम जब डिवाइड करते थे तो हमारा आता था 1.1, 1.2, 1.3, 5 MCQs आते थे। सेकेंड आता था हमारा 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन 2 आते थे, दो आते थे हमारे वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन लाइक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देन दिस 2 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 2.1 एंड 2.2, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स, जहां पर हमारे पास यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एमसीक्यू वेरी शॉर्ट एंड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यहां पर हमारे पास आता था नोट मेकिंग एंड नेक्स्ट आता था समरी राइटिंग, ठीक है, समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग इसके बाद हमारे पास आती थी। तो नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस पोर्शन हैज बीन डिलीटेड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहां पर हमारे पास रीडिंग स्किल, दिस ईयर वी आर हैविंग 20 मार्क्स रीडिंग स्किल। यहां पर हमारे पास दो पैसेजेस आएंगे, अगेन वी विल गेट टू पैसेजेस हियर, यहां पर फिर से हमारे पास 12 क्वेश्चन टू पैसेजेस आएंगे और यहां पर हमारे पास आएंगे ऑल बेस्ड ऑन एमसीक्यू, यहां पर आएंगे पूरे के पूरे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। मार्किंग क्या होगी, 10 × 1, 10 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग लेट मी टेल यू दैट हियर यू विल गेट ऑप्शंस, यू विल गेट 11 क्वेश्चन हियर एंड 11 क्वेश्चन हियर। यहां पर आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे, 11 एमसीक्यूज रिलेटेड टू फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट अनसीन पैसेज एंड अगेन 11 क्वेश्चन विद सेकेंड अनसीन पैसेज एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन फ्रॉम अनसीन पैसेजेस। यहां पर आपको 10 एमसीक्यूज करने और यहां पर भी 10 एमसीक्यूज करने हैं एंड देन आफ्टर यू विल गेट 20 मार्क्स। इसके बाद हम आते हैं लिटरेचर पर, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं यहां से और इसके बाद हम आएंगे लिटरेचर पर एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। ये वापस से 20 मार्क्स के लिए आएगा, ओके ये हमारा 20 मार्क्स क्लियर हो गया। हम सेक्शन ए पूरे के पूरे 40 मार्क्स के लिए कर रहे हैं। तो 20 मार्क्स हमने डिस्कस कर लिया, अब रेस्ट 20 मार्क्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लिटरेरी सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन ए का लिटरेरी सेक्शन जो है वहां से पहला पोर्शन आएगा एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स। यहां पर एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, एक्सट्रैक्ट्स 2 out of 3, राइट। हियर यू हैव टू सॉल्व 2 extracts out of 3, मींस यू विल गेट 3 extracts एंड दैट यू हैव टू सॉल्व ओनली 2. What portion this extract will cover? This extract will cover prose of Flamingo and stories of Vistas. Okay? So, फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन, नॉट पोएट्री, ओनली प्रोज सेक्शन फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड स्टोरीज, ऑल द स्टोरीज फ्रॉम वीस्टास, दिस विल कवर, ओके यहां पर ये कवर करेगा एंड दैट इज ऑफ 4 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट आप करेंगे एंड यू हैव यू विल गेट 8 मार्क्स, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन, हियर अगेन यू विल सॉल्व एक्सट्रैक्ट्स 1 out of 2, ओके दैट इज ऑल्सो 4 मार्क्स, हियर यू विल गेट 4 मार्क्स, ओके एंड दैट विल कवर पोएट्री, दैट विल कवर पोएट्री सेक्शन, मीन्स ऑल द पोएट्री सेक्शन यू कैन कवर हियर, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ रीडिंग स्किल ऑफ हियर यू विल गेट फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ लिटरेरी सेक्शन, राइट। द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 8 by 1 = 8 मीन्स
8 very short question you have to solve, and here you will get 10 questions. 8 out of 10 means you have to solve any 8 question out of these 10 questions. Very short question means answer in one word or in a sentence, okay? And this will cover all the literary portion, whether it is flamingo, vistas, flamingos both part, whether it is prose or the poetry, right? So with this reading skill and the literature means the complete section A has been covered, okay? Section A hamara cover ho gaya. Iske baad hum aate hain section B par. हम यहां पर पहले सेक्शन बी देखते हैं. सेक्शन बी हमारा कवर करता था राइटिंग स्किल, जहां पर ये 30 मार्क्स का होता था. यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा नोटिस और एडवर्टीजमेंट कवर करते थे. क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमारा लेटर कवर करता था. क्वेश्चन नंबर 5 रिपोर्ट और आर्टिकल, और क्वेश्चन नंबर 4 जो था, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हमारा स्पीच एंड डिबेट कवर करता था. ओके, अब आपको यहां पे दिख रहा है कि स्पीच एंड डिबेट हैज बीन रिमूव. तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि यहां पर जो हमारा सेक्शन बी है ऑफ 2021 का जो हमारा सेक्शन बी होगा वो सेक्शन बी कैसे फंक्शन करेगा, सेक्शन बी कैसे काम करेगा. सेक्शन बी इज ऑफ 40 मार्क्स और सेक्शन बी के दो पार्ट्स बनेंगे, दैट इज राइटिंग एंड लिटरेचर. अगेन लिटरेचर इज ऑफ 24 मार्क्स एंड राइटिंग इज ऑफ 16 मार्क्स ओनली. अर्लियर इट वाज ऑफ 30 एंड दिस टाइम इट इज ऑफ 16 मार्क्स ओनली. सो हियर सेक्शन बी इज विथ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. अगेन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीजें कवर होंगी. यहां पर कवर होंगी नोटिस और एडवर्टीजमेंट, ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कवर होंगी इनविटेशन एंड इट्स रिप्लाई, राइट. एंड बोथ विल कैरी 3 मार्क्स, ओके. इन आवर फर्दर लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल एनालिसिस ऑफ दीज राइटिंग स्किल्स ऑल्सो, द मार्किंग स्कीम, द कंप्लीट डिवीजन और द मार्क्स बाइफर्केशन ऑफ these writing skills. So how can you get full marks in these writing skill, we will discuss in further lectures. When I will give you a lecture on writing skill, only the writing skills. Then question number 3, that will cover letter. And as you all know that letter is not deleted, but the few portion, a segment of letter has been deleted, means the business letters. Business letter in which we inquiry about the configuration or we give reply to our consumers, to our customers. So this kind of letters has been removed from the syllabus, but the letter writing has not been removed. Letter writing removed nahi hui hai, letter writing ke kuch portions remove hue hain, okay. To yahan par hum dekhenge ki kaun se letters yahan par aa sakte hain. Here you will get two option in each and every question and you have to solve only one. आपको सिर्फ एक question solve करना है और आपको यहाँ पर दो questions मिलेंगे. तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से आप समझ लेंगे, यहाँ पर अगर आप लिख लेते हो editor and job, तो यहाँ से आपको एक hint मिल जाएगा and that is of what? That is of 5 marks, only 5 marks, okay? Earlier it was of 6 marks. Let me tell you, this was of 4, this was of 6, this was of 10, and this was also of 10. Right? So earlier the letter writing was of 6 marks, but this time it is of 5 marks only. And two kind of letter you can see here. One is letter to editor for any kind of problem, for any kind of article publication and all. And next is job recruitment for the job purpose. Then fourth question, again this year you will solve four question for 16 marks. Means in writing a skill the number of questions are same. Here again you have to solve 4 question. Earlier it was also 4 questions. So this will cover what? Report and article is still in the syllabus. So again it will come report and article. And that is of 5 marks. Earlier it was of 10 marks.
सो दिस टाइम इट विल ऑफ 5 marks ओनली. तो ये इस बार 5 marks का आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 marks के लिए आएगा. तो इस तरह से हमारी राइटिंग स्किल कंप्लीट होती है 16 marks के लिए, 3+3+5+5. अब हम डिस्कस करेंगे 24 marks, और इस 24 marks के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सेकंड पोर्शन ऑफ लिटरेचर है. राइट, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन सी, व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट इज नाउ. हियर इट इज नॉट सेक्शन सी, सेक्शन सी नहीं है, सेक्शन बी का सेकंड हाफ है लिटरेचर, दैट इज ऑफ 24 marks. सेकंड टाइम जब यहां पर लिटरेचर वापस से आ रहा है सेक्शन बी के अंदर में, तो ये 24 marks के लिए है. और यहां पर पहले हमारे पास जो 1920 में था, और ये भी हमारे पास 30 मार्क्स का था. ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि पहले ये क्या था. पहले हमारे पास लिटरेचर था 30 मार्क्स के लिए, और नेक्स्ट आते थे हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होता था ये, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि होता था एक्सट्रैक्ट, ए पोर्शन एक्सट्रैक्ट एंड बी आल्सो एक्सट्रैक्ट. यह आपका प्रोज होता था और यह आपका पोएट्री से होता था. कोई भी ऑप्शन नहीं होते थे, सिर्फ 4:1 का कॉन्सेप्ट होता था यहां पर. मींस टोटल ऑल टुगेदर इट इज ऑफ 8 marks. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, 2-2 marks के 5 questions. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9-10 किस तरह से आते थे, यहां पर आते थे लॉन्ग क्वेश्चंस, 1 from Flamingo एंड 1 from Vistas, 6-6 marks के लिए. राइट, 6-6 marks के लिए आते थे. तो यहां पर हम देखेंगे कि अब हमारा राइटिंग स्किल किस तरह से डिस्कस होता है, किस तरह से जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं. अगर हम बात करें कि यहां पर पहला जो क्वेश्चन आएगा, यहां पर हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए. अब यहां पर जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 5, दैट बिलोंग्स टू लिटरेचर. ओके, अब हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, एंड दैट बिलोंग्स टू फ्लेमिंगो. That will cover complete Flamingo, whether it is prose or the poetry. Okay, this will cover the complete Flamingo, and here you have to solve 5 out of 6 questions. Okay, marking हो जाएगी आपकी 5 into 2 is equals to 10. तो ये 10 marks के लिए होगा. Question number 6, again this will cover short questions, that is from Vistas. Okay, this is from Vistas, and here you have to solve 2 out of 3. Here you will get 3 questions. Out of these 3 questions, you have to solve any 2, and marking will become 2 into 2 is equals to 4. तो यहाँ पर आप देख रहे हो 14 marks cover हो चुका है. यहाँ पर हमारे पास बच गए 10 marks. फिर आएगा हमारा question number 7 and question number 8. Question number 7, long of 5 marks, and again long of 5 marks. Earlier what it was, 1 from Flamingo and 1 from Vistas. Okay, so 5-5 marks. Earlier it was 6-6 mark question, but this year it is of 5-5 marks only. So with this, beta, your marking scheme has been completed. Complete marking scheme. This is an important video for making a strategy. Without a strategy, you cannot do anything. Okay. In my next video, I will discuss about the deleted syllabus and the remaining syllabus. Ki what portion has been deleted and what portion is still in the syllabus. And with the help of this video and the next one, by combining both videos, by combining both the details of those both videos, okay, you can make a proper strategy for completing a syllabus of class 12th English score, and you can score maximum to maximum, means 90 plus marks is very obvious, very simple, but we are not working here for the 90 plus marks only. Our target is to mission possible. I have given a particular term to this thing, that is, it is mission possible. The mission possible means we have
we are working for the complete 100 marks. We are working for the full 100 marks. And definitely you can do this with the help of me. Okay? Thank you, class. Now, subscribe, लाइक और शेयर जरूर करेंगे एंड फॉलो करते रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस को. इसके बाद हमारे कॉन्टिन्यूअस लेक्चर्स आएंगे क्लास 12 के सिलेबस रिलेटेड, लिटरेचर, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, एवरीथिंग यू विल गेट हियर. ओके, थैंक यू वेरी